लियो हाय, स्वागत है आपका आपके वीकली गाइडेंस में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। मैं इसमें अपना हैंडमेड डेक यूज करूंगी गाइज, और साथ ही साथ कुछ चार्म्स भी यूज करूंगी। ये जो रीडिंग है ये आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं। सिंह राशि लियो साइन के लिए शफल शफल शफल। कलेक्टिव ऊर्जा जो है इस हफ्ते की गाइज, वो बहुत ही रोमांटिक ऊर्जा है। बहुत सारे ऐसे ख्याल आपके मन पर हावी रह सकते हैं रोमांस से रिलेटेड, यू नो, वो लस्ट की भी थोड़ी सी भावना। खास करके लियो साइन को इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लियो की सबसे बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या है? लियो की दिक्कत है उसकी खुद की ऊर्जा, उसकी खुद के अंदर की आग। लेकिन वो कभी कभी आग इतनी भड़क जाती है कि वो उसको खुद को ही भस्म कर दे। थोड़ा सा ना अपने जैसे थोड़ा सा मन को शीतल रखने की कोशिश करनी। जैसे मेरा मून साइन लियो है, तो मुझे भी पता है कि इस हफ्ते मुझे बहुत सारा पानी पीना, बहुत सारी एक्सरसाइज, ताकि वो ऊर्जा जो है वो लगी रहे, मतलब वो अच्छे कामों में लगे जैसे ऊर्जा। तो ऐसे ही आपको भी कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है, ताकि वो जो ऊर्जा का उबार आएगा ना, उसको आप अच्छे से बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं। थैंक यू, वन मोर टाइम। एंड शून्य। थैंक यू सो मच लियो, फर्स्ट कार्ड है आपका। ओ लुक द टावर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी ग्रो। तो चलिए सिंह राशि आपके लिए जो पहली पहला जो आपका गाइडेंस है इस हफ्ते की, वो है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके जीवन में आ सकता है इस हफ्ते के दौरान, जिससे एक्चुअली आपकी सोल जो है वो ग्रो करेगी। माने कि कोई लेसन्स आपको, कोई भी ऐसा पाठ जो है वो यूनिवर्स पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आप इसको सर्वाइव कैसे करते हैं। टावर और लियो, ये दोनों मतलब भयंकर एनर्जीज हैं। लियो की ऊर्जा यहाँ है, सभी साइंस में ना लियो मतलब शेर माने यहाँ ऊर्जा होती है, और टावर माने वो बिजली का झटका, यू नो। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसा कौन सा पार्ट, हम सभी के लिए अलग अलग है ना, कि आपके जीवन में कुछ और चल रहा होगा, मुझे पता है मेरे जीवन में क्या चल रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि हम इसे सर्वाइव कैसे करते हैं। यहाँ पर इस प्लांट के जैसे स्माइल है, देखिए, तो यहाँ पर गाइडेंस क्या है कि अगर इसे हंसते हंसते इस टावर मोमेंट को आप स्वीकार करेंगे, उसे उसके साथ काम, उस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, तो ही अच्छा रहेगा। तभी आपकी जो सोल क्रेव कर रही है वो लेसन सीख सकेगी और ग्रो कर सकेगी। ठीक है, तो पहला कार्ड है आपका टावर। माई गॉड, अनदर मेजर आर्काना, वाओ, द चैरियट, कैंसर की ऊर्जा है यहाँ पर मेरी जान। ये बड़ा वीक है लियो, माई गॉड, ये तो बड़ा वीक है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मेरा मून साइन लियो है, तो यहाँ पर ये जो टावर मोमेंट आ रहा है, ये उस सिचुएशन के लिए आ रहा है मेरी जान, जहाँ पर चीज़ें स्टक हैं, जहाँ पर पानी जो है ना वो अच्छे से बह नहीं रहा, पानी जो रुका हुआ है, तो उस पानी के फ्लो को दोबारा से बहाने के लिए ये टावर मोमेंट आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर चैरियट है, चैरियट माने रफ्तार में चीज़ें, वो फास्ट मूवमेंट, ये यहाँ पर कुछ भी स्टक नहीं होता चैरियट के पास। तो चीज़ों को दोबारा से रफ्तार में लेकर आने के लिए ही ये टावर मोमेंट आ रहा है। उससे क्या होगा, आपका मार्क क्लियर होगा, ये चैरियट उसी के बारे में है। रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें भी कुछ रेवलेशंस हो सकती हैं, आपका पार्टनर आपको कोई बात बता सकता है। सॉरी गाइस, कैमरा बंद हो गया था, हम चैरियट की बात कर रहे थे। तो मैं कह रही थी कि आप में से कुछ लोगों को सरप्राइज प्रेगनेंसी भी पता चल सकती है कि आप प्रेग्नेंट हैं, मतलब आपने कोई प्लान नहीं किया, हो सकता कोई सरप्राइज मिल सकता है ऐसा आपको, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। ठीक है, करियर में भी यहाँ पर अगर किसी के पास जॉब नहीं है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफर भी मिल सकता है किसी को। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, यू आर वेरी क्यूट, यस यू आर लियो। क्वीन ऑफ कप्स वाटर एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कॉम्प्लीमेंट्स,
आप जैसे ही अपने शेल से भी बाहर आ सकते हैं। ये दो कार्ड इसके बारे में भी इशारा करते हैं कि जैसे कोई अपने शेल से बाहर आ सकता है और उसकी वजह से दोबारा से रूटीन, अपना जिम जाना, दोबारा से यू नो वो साइकिलिंग करना या वॉक करना, वो दोबारा से आप रूटीन कोई शुरुआत कर सकते हैं और उसकी वजह से आपको बहुत सराहना, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। जैसे आपके आसपास के लोग कहेंगे कि गुड कि आपने दोबारा से वो चीज़ें करनी शुरू कर दी जो आप भूल गए थे करना, तो कॉम्प्लीमेंट्स की भी यहाँ पर ऊर्जा है। Ten of Wands, my God, Leo, बहुत सारा जैसे कोई पर्ज कर रहा है, जैसे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, बहुत सारा रिलीज कर रहे हो, बहुत सारे इमोशंस, वो टॉक्सिन्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, लिटरली वो मुझे साइंस का वो डायग्राम याद आ रहा था, मैं एक वो आर्टिकल पढ़ रही थी तो उसमें मुझे एकदम से वही याद आया। ऐसे जैसे कोई अपने जैसे आपकी बॉडी में जो केमिकल इम्बैलेंस हो गया था अगर कुछ पिछले कुछ दिनों में, तो वो जैसे बैलेंस हो रहा है, यू नो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है अब चीज़ों को, जो उसको एक्सपीरियंसेस मिले हैं ये उसका रिएक्शन है। टेन ऑफ वॉन्स माने अपना भार भी यू नो आप उतार रहे हैं, वो मन का बोझ जो है कोई हल्का कर रहा है यहाँ पर। माई गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन। एट ऑफ वॉन्स, इट वॉज लव एट फर्स्ट स्वाइप। तो आप में से कुछ लोगों की पहली मुलाकात है उस शख्स के साथ जिसे आपने ऑनलाइन पहली बार बात की थी या आप ऑनलाइन डेट कर रहे थे उस शख्स के साथ, उसके पहली मुलाकात इस हफ्ते के दौरान हो सकती है। ये और ये दोनों ट्रैवल के और अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल और फास्ट ट्रैवल इसके कार्ड होते हैं। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि शायद क्योंकि आप अपने पर्सन से पहले कभी मिले नहीं थे अभी तक, तो वो भार था आपके मन में जो कि इस हफ्ते उतर सकता है, उसके उस शख्स के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली करियर में तो माने कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ज़रूर मिल सकता है, कोई भी सरप्राइज। देखिए ये जनरल रीडिंग है ना, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसी तरीके से स्क्रीन के उस तरफ बैठकर आप सोचिए कि कौन सी पॉसिबिलिटी है मेरे करियर में जिसे मैं इस हफ्ते मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये ऊर्जा अवेलेबल है जो कि फास्ट रफ्तार की, जब चीज़ें रफ्तार के साथ आगे बढ़ें उसकी ऊर्जा है। तो अपने आप से पूछिए और इसके साथ काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्स, ओके, तो आप में से कुछ लोग कर्मा रिलीज कर रहे हैं, बुरा कर्मा था ये जुड़ा हुआ था आपके साथ, जो कि ये भी हो सकता है कि आपने कुछ पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे विचार सोचने लगे, वो नेगेटिव थिंकिंग में चले गए आप, या रोए बहुत हो सकते हैं आप, या आप कोस बहुत रहे थे भगवान को, अपनी किस्मत को, अगर ऐसा कोई साइकिल भी है ना तो उसको भी रिलीज कर रहे हो। नाइन ऑफ वॉन्स कर्मा का कार्ड होता है, जब हम कर्मा को रिलीज करते हैं खास करके नेगेटिव कर्मा को, तो बेशक ये जो हफ्ता है मेरी जान, बहुत बहुत बड़ा हफ्ता, ये महीना ही कुछ ऐसा है गाइस, मैं अपनी मंथली रीडिंग्स में ये बात कह चुकी, ये महीना यही सब खेल करेगा हम सब के साथ, इमोशंस हमारे यहाँ तांडव मचाएंगे इस लेवल पर आकर, तो ये सब होने वाला है लियो के लिए। तो खासकर लियो तो रहता ही यहाँ है ना, लियो तो आता ही नहीं कभी नीचे। तो या आपके ये कार्ड से आपके चांस भी देख लेते हैं हम, तो आपके चांस देखते हैं अब हम, यहाँ पर इसे रख लेते हैं और शफल करते हैं लियो राशि के लिए चांस को। ऑलराइट, थोड़ी सी और ले लेते हैं। ऑलराइट, आपके लिए लेटर्स बहुत निकले हैं, तो सबसे पहले आपके लेटर्स की बात करते हैं। Z Q X और F, तो ये लेटर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपके फोकस में क्या चल रहा है, देखिए क्या निकला है। डस्टर, डस्टर वो बुरी यादों को, बुरी मेमोरीज को, बुरे कर्मों को, जो भी आपके मन में चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, उसे इरेज करना, उसको मिटाना, उन बुरी यादों को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है, उस पूरी नेगेटिव ऊर्जा को अब अलविदा कहने का समय आ गया है। लियो, मेरे शब्द भी देखिए वो हो रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी वैसी है, माने कि एक अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं यूनिवर्स, ये डस्टर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मिटा लो वो सारी यादें जो तुम्हें तंग करती हैं। क्यों? क्योंकि एक नया सवेरा उदय होना चाहता है तुम्हारे जीवन में, तो ये अपॉर्चुनिटी को प्लीज मत गवाइएगा, इसके साथ काम कीजिएगा। हमारे पास नंबर भी है, नंबर 2
और 6 इसको ऐड करें तो नंबर 8 बनता है जो कि इन्फिनिटी का। अगर स्ट्रेंथ की बात करें टैरो में लियो कार्ड की बात करें तो वो स्ट्रेंथ कार्ड होता है, स्ट्रेंथ की भी इन्फिनिटी साइन होता है। तो डेफिनेटली आप अपने एलिमेंट में, अपनी पावर में दोबारा उसको जैसे क्लेम कर रहे हैं, उसमें वापस आ रहे हैं लियो। वेरी गुड। यहाँ पर ये परिंदा भी निकला है देखिए, जिसके लिए खुला आसमान, भगवान कह रहे हैं कि आप, तुम्हारे लिए खुला आसमान है, तुम उड़ो, तुम अब पिंजरे में मत रहो, इस कर्मा को रिलीज करो, इस नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलो और एक नई ऊर्जा के लिए स्पेस क्रिएट करो ताकि उसमें तुम उड़ान भर सको। माय गॉड, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ अगेन, मेरा खुद का माने मेरे लिए, मुझे खुद लग रहा है जैसे मेरे खुद के लिए मैसेजेस हैं ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैसेज इन अ बॉटल, यू आर रेडी। आई डोंट नो कैमरा क्यों नहीं कर रहा फोकस, यू आर रेडी, आप तैयार हैं किसके लिए, इस उड़ान को भरने के लिए मेरी जान। और यहाँ पर आई लव यू, आप में से कुछ लोगों को के पास ऑलरेडी कंपेनियनशिप है, माने कोई पार्टनर हो सकता है, वो भी आपका इस नई यात्रा में आपका आपका साथ दे सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ लव के बारे में भी, कि खुद को ही प्रोत्साहन करना, अगर कोई नहीं भी है जीवन में तो किसी का इंतजार मत करो, खुद को प्यार दो, खुद से कहो आई लव यू, अभी कहो, अभी कहो, अभी कहो, इसी वक्त कहो। हमारे पास है ये वो कहते हैं ना जब बच्चे खेल रहे होते हैं कि वो, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो अगेन सरप्राइज, बहुत सारा सरप्राइज। यहाँ पर है मेरे पास ये 1 रुपए का नोट, मैं जब भारत से आई थी तो इसे लेकर आई थी, मेरे पर्स में था ये, मेरी माँ ने मुझे वैसे ही याद के लिए दे दिया था। तो ऐसी कोई याद भी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छा फील करवाए, आपको किताब में कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है, कोई पंख मिल सकता है, या फिर कोई पुरानी ऐसी याद जिसे आप चेरिश करना, उसे जैसे उसको महसूस करके अच्छा महसूस करना, जैसे अपने मन में अच्छी फीलिंग्स भरना। तो ऐसी कोई याद भी पुरानी इस हफ्ते में आपकी मदद कर सकती है इस ऊर्जा के साथ काम करने में। यहाँ पर ये रेड सिग्नल भी है देखिए, ये खतरे का निशान जो कि रेड सिग्नल है। तो इस हफ्ते किसी का पर्दाफाश भी हो सकता है, माने किसी की असली सच्चाई जो है वो बाहर आ सकती है। और मैं सच कहती हूँ गाइज, मेरे हर रीडिंग में, तकरीबन हर रीडिंग में ये स्टार का, ये स्टार चार्म निकला है। और यही, ये सिर्फ ये वाला नहीं, मेरे चार्म बॉक्स में बहुत सारे अलग अलग किस्म के चार्म से स्टार शेप में, और आपके ये निकला हुआ है, लेकिन सभी रीडिंग्स में निकला है। तो जो बताता है कि जैसे ये हफ्ता होप को, उम्मीद को दोबारा से बनाना, जैसे यूनिवर्स उसके ऊपर काम करेगा हम सबके लिए कलेक्टिव में, हमारी उम्मीद को दोबारा जगाना, उसके बारे में है ये वीक। माई गॉड, वेरी नाइस। यहाँ पर डेकोरेशन पीस भी है, तो आप में से कुछ लोग घर को सजा सकते हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, यहाँ पर एंजल्स की ऊर्जा है देखिए, तो वो कह रहे हैं कि गो फॉर इट, मुझे एकदम से गो फॉर इट सुना। आपका अगर कोई प्रश्न भी था तो उसका आंसर है यस। मशरूम्स है यहाँ पर, तो मशरूम भी कहते हैं कि थोड़ी सी डाइट अपनी अच्छी कीजिएगा, वेजिटेबल्स का सेवन इस हफ्ते ज़्यादा कीजिएगा। यहाँ पर ये हिरन भी है जो कि लीप ऑफ फेथ, विश्वास के बारे में बात करता है। एयर ऑफ पेंटिकल माने आपके रिवॉर्ड्स, जो मेहनत आपने की है उसका अगर किसी एक तरीके से आपको फल नहीं मिला तो दूसरे तरीके से ज़रूर मिलेगा, और इस हफ्ते में भी उसके चांसेस हैं कि आपको कोई फल मिल सके। 5 of Swords, कोई गिल्ट है तो उसको जाने दीजिए, पर्च करके माने उसको जाने दीजिए, उसको अपने दिल से निकाल दीजिए। फाइनली कोई ऐसी खूबी, अपनी हैंड राइटिंग पर काम करने की ज़रूरत है तो उसे कीजिए, कोई कला है आपके अंदर तो उसको निखारने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस हफ्ते अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो हफ्ता थोड़ा ठीक जाएगा आपका, नहीं तो जैसे ये तांडव मचा हुआ है ना, तो इसमें ऊर्जा यहाँ रहेगी। थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये है लियो साइन के लिए रीडिंग, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।